हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चन थे वे हमारे सभी समाप्त हो गए थे, तो आज हम आपको डिवाइड समझाएंगे, है ना। तो डिवाइड क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का विभाजन, यानी कि किसी संख्या को विभाजित करना, बांट देना, उसके टुकड़े कर देना डिवाइड कहलाता है। तो देखिए, विभाजन को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन और डिवाइड, ये हिंदी में कहते हैं भाग। ये इसका चिन्ह होता है भाग का, यानी कि डिवाइड का, और ये भी इसका चिन्ह होता है और ये भी इसका चिन्ह होता है। ये तीन तरह के चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, जिनसे हम भाग की पहचान करते हैं, ठीक है ना। ये ओब्लिक टाइप होता है, इसके ऊपर कोई डिजिट होती है और नीचे भी होती है, ठीक है जी। तो ये भी एक तरह का डिवाइड ही है। जब किसी बड़ी संख्या को, यानी कि हम देखो स्टूडेंट, बड़ी संख्या, छोटी क्लासों में ज्यादातर हम बड़ी संख्या को ही डिवाइड करते हैं, बड़ी क्लास की बात नहीं कर रहे, हम छोटी की कर रहे, है ना, और सामान्य डिवाइड की बात कर रहे हैं। वैसे तो हम छोटी को भी संख्या को बड़ी से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, वो आगे समझेंगे आप, लेकिन हमने ये साधारण डिवाइड के बारे में बात लिखी है। किसी भी बड़ी संख्या को दूसरी छोटी संख्या से भाग करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जिस संख्या को भाग करते हैं उसे जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को उतनी उतने बराबर भागों में बांट दिया जाता है। देखो, डिवाइड का मतलब भी यही है। हम अगर किसी संख्या को किसी नंबर से भाग कर रहे हैं, मान लीजिए आप 50 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 50 को 5 से डिवाइड करने का मतलब है कि 50 को 5 जगह बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए, है ना। अगर आप इसे अंदाजा नहीं लगाते, इस तरह नहीं सोचते, तो इस तरह भी आपको सोच लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी डिजिट है और उसे कितने भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि जितने नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उतनी जगह उसे अलग अलग बराबर भागों में बांट दिया जाता है। जो आंसर आएगा वो तो उतने हो गए, और जो रिमाइंडर बचेगा वे भाई वे बटे नहीं, ठीक है। अगर पूर्ण संख्या है तो पूरे पूरे बट जाएंगे, इवन है ना। तो अगर पूर्ण नहीं है तो वे बटने के नहीं, या ओड में भी बट जाते हैं। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो बट जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता। अगर रिमाइंडर बचता तो फिर बटते नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया? तो डिवाइड क्या होता है? डिवाइड का मतलब भी यही होता है, जिस संख्या को भाग दे, और जितने से उसे भाग दे, तो जितने से भाग दे रहे उस उतनी बार उस संख्या को बराबर बराबर वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास 10 केले हैं, हम इन्हें पांच बच्चों में बराबर बांटना चाहते हैं, तो जिस वस्तु को बांटना है उसे भाग करते हैं, और जितने में बांटना चाहते हैं, यानी कि जितनी जगह बांटना चाहते हैं, तो उस संख्या से भाग करते हैं। किसे बांटना है? 10 केलों को, तो 10 केलों को डिवाइड करेंगे, है ना। तो 10 को डिवाइड करेंगे, कितनी जगह बांटना है? पांच बच्चों में, यानी कि पांच जगह बांटना है, तो 5 से भाग करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। तो देखो, हमने यहां करा 10 डिवाइड 5, है ना। तो स्टूडेंट, देखिए, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, तो हमने 5 जगह बांट दिया, तो एक के 5 जगह बांट दिया, 1 2 3 4 5, तो 2 2 2 2 और 2, तो इन 5 बच्चों को 2 2 केले प्राप्त हुए। तो देख लो, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 2 10, तो 10 हो गए। तो हमने इसे 5 जगह बांटा था 10 को, तो 2 2 सबको प्राप्त हो गए बराबर बराबर, है ना। तो समझ में आ गया आपको कि किसी भी चीज को जितनी बराबर भागों में बांटना है उससे ही उसे डिवाइड कर रहे हैं। ये भी बात हमें पता होनी चाहिए कि किससे किससे डिवाइड करना और क्यों करना। तो आपको पता चल गया, जिसे डिवाइड करना हो
उसे उसे बनाए। देखो जैसे हम 26 को डिवाइड करने करना चाह रहे हैं कि 3 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, है ना। तो 3 8 जा 24, तो 6 में से 4 गए, 2 बच गए, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये 26 जो भी है ना, हम इन्हें 3 जगह बांटना चाह रहे थे। तो ये 8 यानी कि 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में 8 8 तो बराबर बराबर आ गए, और 2 हमारे पास बच गए। देखो 8 2 16, 16 8 24, 24 तो पूरे बट गए और 2 हमारे पास बच गए शेष, ये बटे नहीं, है ना। तो ये 2 रिमाइंडर रह गए, ये 8 8 पूरे बच गए। देखिए जो भी आंसर आता है भाग करने के बाद, उसे हम भागफल कहते हैं ना। जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग करते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। और जो हमारे पास नीचे से बचेगा, संख्या बचेगी माइनस करने के बाद, उसे हम शेषफल कहते हैं। भागफल को कोशेंट कहते हैं, भाज्य को डिवाइडेंट कहते हैं, शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, और भाजक को डिवाइजर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये 4 है, 1 2 3 4, है ना। तो इन फोर का आपस में एक संबंध है। अगर कोई कहता है आपको आंसर निकालिए, फाइंड द आंसर, फाइंड द क्वाड्रेंट, है, तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो अगर कोई कहता है फाइंड द डिवाइडेंट यानी कि भाज्य ज्ञात कीजिए, भाज्य ज्ञात करने का फॉर्मूला यह है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष फल, ठीक है जी, ये है हमारा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, भाज्य है। भाज्य क्या है, जिस संख्या को डिवाइड कर रहा जा। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इसे यहां डिवाइड किया, तो हमें ये डिवाइडेंट निकालना। तो डिवाइजर क्या है हमारे पास, यानी कि भाजक क्या है, भाजक 3 है, ये रहा 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। क्वाड्रेंट के नीचे हम क्वाड्रेंट लिखेंगे यानी कि भागफल लिखेंगे, ये रहा भागफल हमारा 8, और प्लस हम रिमाइंडर करेंगे यानी कि शेषफल करेंगे, शेषफल हमारा ये हो रहा 2, तो हमने ऐसा कर दिया। तो देखो अगर हम 8 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो 24 हो गया, अब प्लस 2 कर दो तो 26 आ गया। तो क्या आ गया हमारा, 26 हमारा डिवाइडेंट आ गया, यही तो काट देते हैं भाज्य डिवाइडेंट। तो इस तरह डिवाइडेंट निकल जाए। अगर कोई आपको भाज्य भाज्य निकलवा रहा, जिस संख्या को हम भाग करें वैसे वाली संख्या निकलवा रहा, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और किसी डिवाइड के सवाल को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो भी आप इसी फॉर्मूले से चेक करेंगे। हो सकता है जैसे कि यहाँ रिमाइंडर 0 बचा है ना, तो आप इसमें यहाँ 0 ऐड कर देंगे, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, बस इतना ही रह जाएगा, ऐड करने की जरूरत ही नहीं, तभी ये आंसर आ जाएगा। देखो जैसा 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 क्या है, भाजक है, और जो 2 क्या है, भागफल है, और रिमाइंडर कुछ था नहीं इसलिए हमने ना जोड़ा नहीं, इसलिए 10 का 10 आ गया। देखो आ नहीं गया, तो इसका मतलब ये सवाल सही है। तो यही हमारा चेक करने का तरीका है, और यही हमारा भाज्य निकालने का तरीका है, समझ गए स्टूडेंट। अगर कोई आपसे कहता है कि आप डिवाइजर निकालिए यानी कि जिस संख्या से भाग दिया वह निकालिए, और आपको क्या दिया, भागफल दे दिया, शेष फल दे दिया है, और आपको ये दे दिया भाज्य डिवाइडेंट, ये 3 संख्या दे दी, 1 2 3, और ये काटनी निकालना आपको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कभी कभी वैसे आता नहीं है सामान्य तौर पर, लेकिन इसमें आ जा के उसमें। तो अगर आपको भाजक निकालना है तो भाजक इज इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल डिवाइड भागफल। तो देखिए यानी कि डिवाइजर निकालना, तो डिवाइडेंट में से हम माइनस रिमाइंडर करेंगे, और रिमाइंडर करके जो आंसर आएगा उसे क्वाड्रेंट यानी कि भागफल से जो उत्तर आया उससे भाग कर देंगे। तो देखिए डिवाइडेंट कितना है हमारा, 26, ये वाली संख्या दे रखी 26, इसमें से हमने माइनस रिमाइंडर कर दिया, और फिर भागफल हमारा यानी कि क्वोशेंट है हमारा 8, इससे हम भाग कर देंगे। देखिए अब हमने इसे 13 26 को 2 से डिवाइड करा, 1
तो कितना आगा? 13 आगा। सॉरी 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 भाई, गलत हो गया। देखो 26 है, इसमें से हमने 2 माइनस करा तो यहाँ 4 आ गया, ये 24 आ गया है ना। 26 में से यही तो था ना माइनस करना था। अब हमारे पास क्या आ गया? 24। इस 24 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 3 जा 24, तो क्या आंसर आ गया? 3 आ गया। तो हमें क्या निकालना था? डिवाइजर निकालना था, और डिवाइजर ये रहा हमारा 3 है, हमने 3 से भाग किया था। हमने इसीलिए इसी क्वेश्चन का प्रयोग करा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, अलग से नहीं लिया। ठीक है, तो आप समझ गए। अगर आपको वह संख्या निकालनी जिससे भाग करे, तो क्या करे? जिस संख्या को भाग करे उसमें से हम जो शेषफल बचा रहे उसे माइनस कर दे, और जो आंसर आवे उसे हम जो हमारे पास कोशेंट होता है, इनके भागफल होता है, उससे डिवाइड कर दे। ठीक है, समझ गया। भाग घटा का ही एक बड़ा रूप है। जो भाग है, डिवाइड के क्वेश्चन है, वे सब्ट्रैक्ट का ही एक बड़ा रूप है। कैसे? जैसे आप 49 को 7 से डिवाइड कर रही, तो 7 7 जा 49, 7 आंसर आ गया। आ गया जी। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिवाइड ना करके सब्ट्रैक्ट के तरीके से करना चाह रहे। तो देखो सब्ट्रैक्ट के तरीके से कैसे होगा? 49 हमने यहां लिख दिया, इसमें से हम हर बार 7 घटाते हुए चले जाएंगे, माइनस करते हुए चले जाएंगे, जब तक कि हमारे पास हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। देखो 49 में से हमने 7 माइनस करा, 42 बचा, इसमें से 7 माइनस करा, 35 बचा, फिर 7 माइनस करा, 28 बचा, है ना, फिर 7 माइनस करा,